क्या बोला था भाई, स्टार्ट किससे किया था? घबरता है थोड़ा सा. एनीवेज, व्हाट्स अप गाइस, दिस इज ए न्यू अटेम्प्ट. एक नया दौर शुरू होने जा रहा है. चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा. आई डोंट नो कितने लोगों को याद है कि मैंने अपने न्यू ईयर के ब्लॉग में बोला था कि मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है जो डिफरेंस क्रिएट करे सोसाइटी में, कुछ मैसेज हो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो उसका. तो दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट. आई होप कि ये जिसको भी ज़रूरत है उस तक पहुंच जाए टाइम से और उसको हेल्प हो बहुत सारा. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक वो बंदा हूँ जिसके जगह पर लोग आना चाहते हैं. और एक वो बंदा हूँ जो ऐसी जगहों से उठकर आया है जहाँ पर मैं होप करता हूँ कि कोई भी कभी भी ना जाए क्योंकि इट्स अ रियली बैड प्लेस. तो मैंने अपने लाइफ में काफी ज्यादा हाईज एंड लोज देखे हुए और मैं अभी एक अपने लाइफ के ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ पर मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ. और अगर मैं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हेल्प भी करनी चाहिए लोगों की. अच्छा, सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ Shout out to Riya for making the intro. बाकी ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं. Welcome back to the channel of Sleep on YouTube. और मैं को बता दो आप सारे कैसे से हो? बढ़िया, बहुत सही, मजे में. मेरे को पता है तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे. बट वीडियो चालू करने से पहले मेरे को चाहिए कि तुम लोग ये देखो, मेरा एक इवेंट आ रहा है जून में 14-17, तुमको यहाँ पर आने का है. Telling you, this right here is something rare. It's something rare. This is special for me. I gotta say, I came to home. Okay, now. We start with the video. और वीडियो का टॉपिक है सिंपल टिप्स दैट हेल्प मी चेंज माई लाइफ, है कि नहीं? तो इसको हम पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि तुम लोग को समझने में और ज्यादा ईजी हो. पहला चीज है टेकिंग आउट टाइम फॉर द थिंग्स यू एंजॉय, है कि नहीं? मतलब इसमें मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट स्टेप आता है ग्रूमिंग. कुड बी एनी लिटिल थिंग. सबसे फर्स्ट थिंग होता है शावर ले लो. सुबह को लिया है फिर भी जाके ले लो. मेरे लिए, मैं अपना बहुत ऐसा, जब डार्क फेज में होता हूँ तो मैं अपने बियर्ड को बहुत बढ़ाता हूँ और कैसे भी बढ़ाता हूँ, मैं जाके ट्रिम करवा के आता हूँ, हेयर कट लेके आता हूँ. सो इन शॉर्ट, अगर तुम लोग को अपने यहाँ पर जो भी चीज़ चल रहा है उसका टेक केयर करने का, तो ग्रूम करो अपने आप को. सेकेंड सबसे अंडररेटेड चीज़, स्लीप. आई थिंक तुम्हारा स्लीप स्केड्यूल इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है. ये चीज़ मेरे को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ. मेरे को ऐसा लगता था कि भाई रात भर सोने नहीं मिलेगा, ये नहीं करने मिलेगा, वो नहीं करने मिलेगा, बिजी रहूँगा तो मज़ा आ जाएगा भाई, इतना काम चाहिए कि नींद ना मिले. बट रिसेंटली मेरे को जाके पता चला कि मैं हमेशा डाउन ऑन एनर्जी इसके लिए रहता हूँ क्योंकि मेरे पास इनफ स्लीप नहीं है. ठीक है, अब इनफ स्लीप के लिए मैं तुमको ये नहीं बोलूँगा कि 8 घंटा सो 7 घंटा सो, इट इज़ अप टू यू. मतलब सेटिस्फैक्ट्री सो, जहां पर तुमको मतलब ऐसा नाइस फील हो, उठने के बाद एनर्जाइज्ड फील हो, तुमको काम करने का मोटिवेशन हो. मैं जेन्युइनली कुछ टाइम से इतना अच्छे से सो रहा हूँ और मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है. मैं सुबह को एकदम अच्छे मूड में उठ रहा हूँ, पूरा दिन मेरा अच्छा जा रहा है. तो मेक श्योर यू गेट इनफ स्लीप फॉर योर सेल्फ. सेकेंड, स्टे एक्टिव. अब स्टेइंग एक्टिव में सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ वो है वर्कआउट करना. मतलब दुनिया यहाँ का वहाँ हो जाए, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं वर्कआउट करूँ. और प्रोबेबली जितने भी लोग मेरे को देखते हैं मेरे ब्लॉग्स में, तुम लोग ने देखा ही रहेगा कि मैं वर्कआउट कभी भी मिस नहीं करता. मैं वर्कशॉप में जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, वर्कआउट तो ज़रूरी है. सेकेंड चीज़, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी ढूंढ लो जो तुम्हारे प्रेफरेंस को सूट करता हो. ठीक है, अब इसमें तुम कोई भी आउटडोर गेम्स खेल सकते हो, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, रनिंग करना हो गया. मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं पसंद तो मैं डांस कर लेता हूँ. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. क्योंकि मेरे लिए, मतलब मैं डांसर हूँ तो मेरे लिए वो चीज़ सबसे बेस्ट सूट करता है. मेरा ट्रेनिंग भी हो जाता है और मेरे को अच्छा भी फील होता है, समझे? थर्ड, हेल्दी डाइट, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स,
पल्सेस जो भी चीज है वो सब एकदम बैलेंस में आता हो। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ मेक श्योर कि तुम लोग अपने डाइट पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो, क्योंकि लोग एकदम हल्के में लेते हैं ये चीज को। डाइट पे ध्यान देना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी लोगों को आइडिया नहीं है। अब वो तुम अपने हिसाब से, तुम्हारे घर पे जैसा भी सिचुएशन है उसके हिसाब से तुम उसको ट्वीक कर सकते हो, है ना, जो भी है जैसा भी है, बट बैलेंस होना चाहिए तुम्हारे डाइट। सेकेंड चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, पानी पियो। सिर्फ जिम मत जाओ, सिर्फ खाना मत खाओ, इनफ, क्योंकि वो तुम्हारे मूड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ये नहीं बोलूंगा मैं वापस से कि 3 लीटर पियो, 4 लीटर पियो, जितना भी पियो बस मेक श्योर कि यू गाइज आर हाइड्रेटेड इनफ, और वो चीज तुम्हारे पूरे दिन को जेन्युइनली बहुत अफेक्ट करने वाला है, ट्राई करके देखो। फोर्थ, कनेक्ट विद अदर्स। मेरे हिसाब से तुम लोग को एक फ्रेंड ग्रुप रखना चाहिए। अब फ्रेंड ग्रुप में कोई नंबर्स नहीं आता, 2 जन का ग्रुप हो सकता है, 3 जन का ग्रुप हो सकता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे पर्सनल लाइफ के ऊपर, बट एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिसके साथ तुम अपना लाइफ एंजॉय कर सको और बिना जजमेंट सब कुछ शेयर कर सको। खबरदार, बाप है हमारा। वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, शेयर योर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, है ना। तुमको बात करने का जरूरत, तुम्हारे पास एक वो बंदा होना चाहिए जिसके पास तुम भाग के जाते हो, तुमको कुछ भी खुशी होती है या तुमको दुख होता है तो तुम उसके साथ बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और वो नॉन जजमेंटल होगा, है ना। जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास कुछ भी हो, छोटे से छोटे चीज के लिए भाग के जाता हूँ। फाइंड योर सेल्फ दैट वन पर्सन। फिफ्थ, सेट रियलिस्टिक गोल्स। तुम्हारा जितना भी बड़ा बड़ा टास्क है ना, उसको छोटे छोटे टास्क में ब्रेक डाउन करो, मैनेजेबल बनाओ। मेरे हिसाब से अगर इंसान 10 रुपया कमाता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे 10 रुपये में से मैं 8 रुपया सेव करूंगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके चक्कर में तुम्हारा डाइट कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब ठीक है, अगर तुम 1 रुपये भी सेव कर रहे हो या तुम नहीं सेव कर पा रहे हो अभी के टाइम पे, तो इट इज कम्प्लीटली ओके, बट रियलिस्टिक होना जरूरी है। अगर तुम 10 रुपये कमा रहे हो तो शायद से तुम्हारे लाइफस्टाइल के हिसाब से 10 रुपया तुमको पूरा लगेगा, तो 10 रुपया पूरा यूज करो, बचाने का मत सोचो। समझ में आ रहा है? ऑल्सो ये भी मत सोचो कि अगर मैं 10 रुपया कमाता हूँ तो मैं बाय द ईयर एंड पैसा ही पैसा होगा, 1 लाख रुपए का एक चीज खरीद लूंगा, नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल सेट करो, है कि नहीं। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबली अगर तुम अगर मेरे को अभी यहाँ पर बात करते हुए देख रहे हो तो वो इसके लिए देख रहे हो क्योंकि मैं अपने स्मॉल स्मॉल ग्रोथ को, जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ, तो वो चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हारे साथ अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने आया हूँ। कुछ भी हो जाए मेक श्योर करो कि तुम लोग हर छोटे से छोटे चीज़ को सेलिब्रेट करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दी एंड सक्सेस तुम्हारा सक्सेस है कि नहीं। वो किसी के लिए स्मॉल होगा, किसी के लिए बिग होगा, समझे। सिक्स्थ, ओपन कम्युनिकेशन। कुछ भी चीज को है ना अंदर ऐसा दबा के मत रखो, कुछ भी चीज का अगर बुरा लगता है तो मेक श्योर करो कि तुम्हारा जो बंदा है या जो बंदी है उसके साथ तुम शेयर करो राइट अवे। अगर राइट अवे नहीं कर सकते हो तो मेक श्योर करो कि कुछ टाइम में करो, बट करो, तब तक मत अपने अंदर बॉटल अप करके रखो जब तक वो तुम्हारे को मेंटली अफेक्ट नहीं करता, है ना। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि ओ शिट अब ज्यादा हो रहा है मेरे को, मतलब झेलने को नहीं हो रहा है, टॉक इट आउट। ऑल्सो अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं मैं बात नहीं कर पा रहा, अब मेरे को डील करने भी नहीं हो रहा और मैं बात नहीं कर पा रहा, मेक श्योर यू सीक प्रोफेशनल हेल्प। उसमें कोई शर्म का बात नहीं है, इट्स जस्ट कि एक स्टिग्मा है सोसाइटी में कि प्रोफेशनल हेल्प लेना एक बहुत बड़ा बात है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड सीक प्रोफेशनल हेल्प, बहुत हेल्प करेगा, और अभी पहले से ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल भी हो गया है, तो मेक श्योर यू चूज वाइजली, एस्टैब्लिश ए रूटीन। अब इसमें तुम लोग को अपने पूरे दिन को स्ट्रक्चर करना है, एक स्टेबिलिटी देना है, ठीक है। जैसे मेरा रूटीन होता है कि मैं सुबह को उठता हूँ, फ्री की चाय पीता हूँ, फ्री का नाश्ता करता हूँ, मेरे माँ बाप के टुकड़ों में पलता हूँ, नहाता हूँ, फिर मैं ईमेल्स चेक करता हूँ, फिर ईमेल्स चेक करके मैं जिम जाता हूँ, फिर मैं घर आता हूँ, मैं कॉन्टेंट शूट करता हूँ, मैं अपना क्लास लेता हूँ, मैं कुक करता हूँ, और उसके बाद अपने घर वालों की गालियां खा के रात को अपने माँ बाप की फ्री की रोटी खा के सो जाता हूँ। तो मेरा एक फिक्स्ड रूटीन है, मेरे को पता है कि मेरे को कल भी यही करना है, परसों भी यही करना है, तो मुझे पता है कि मैं खाली नहीं बैठा हूं, तो वो चीज पे फोकस करो, और अगर एक रूटीन बना लेते हो तो ट्राई करो कि उस पे कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी से तुमको कंट्रोल फील होगा, है कि नहीं। तुमको ऐसा लगेगा कि मेरे लाइफ पे मेरा कंट्रोल है, वो चीज को प्रीच करता हूं मैं, है ना, कंसिस्टेंसी इज द की।
टू एनीथिंग. डोंट जस्ट डू इट क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं या करना जरूरी है या सोसाइटी के हिसाब से करना जरूरी है. डू इट बिकॉज ये तुम्हारा रूटीन है, तुमने इसको बनाया है. समझ में आ रहा है? आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न टू से नो. Okay. ये मैंने बहुत लेट सीखा. मतलब कुछ चीज अगर नहीं पसंद मना कर दो, कोई काम अगर नहीं करना है मना कर दो. तुम्हारे पास है ना बाउंड्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सेटिंग बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ लीड्स टू सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग, लीड्स टू सेल्फ केयर. सब कुछ यहाँ पर रिवॉल्व करता है. तुम्हारे ना बोलने से किसी को बुरा नहीं लग रहा, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. लोगों के पास 10 ऑप्शन है, तुम नहीं करोगे वो किसी और के पास जाएगा. तो वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि नो बोलने के बाद शायद से सामने वाले को बुरा लगेगा, अरे रिलेशन खराब होगा, ये होगा ना वो होगा. स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. हाई टाइम ना बोल दो, नहीं पसंद, नहीं करना, बस चल. सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अंडररेटेड है कि कभी कभी है ना तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हो तुम्हारे लाइफ को लेके क्योंकि तुम लॉस्ट फील करते हो. वही टाइम पे तुमको आके कोई ना कोई काम देगा, कोई ना कोई कुछ बोलेगा. इट इज़ ओके. और वो टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों को मना कर दो क्योंकि तुम अभी वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो. अगर तुम ओवरवेल्म फील कर रहे हो तो तुम वो काम हाँ बोलोगे, फिर वो काम गलत होगा, फिर वो भी तुमको कुछ बोलेगा, फिर तुम और ओवरवेल्म फील करोगे. आई मीन नो पॉइंट, नो व्हाट यू आर फीलिंग क्योंकि तुम है भाई, तुम्हारा लाइफ है, किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए तुम्हारे ऊपर. समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मेरे हिसाब से इतनी सारी चीजें काफी है. अगर तुम इनमें से कुछ भी चीजों पे अमल कर लेते हो ना तो तुम लोग को ऐसा एकदम मेजर डिफरेंस दिखने लगेगा तुम्हारे लाइफ में. और अगर तुमको दिखता है तो प्लीज लेट मी नो, है ना. तुमको अगर चाहिए कि मैं किसी और टॉपिक पे भी बात करूँ प्लीज लेट मी नो. लेट्स हैव अ मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन. आज के लिए अपन इतना ही रखते. तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है. तुम लोग करने का लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और दुआ. अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में. आई लव यू गाइज, आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू गाइज वेरी सून. टेक केयर, बाय, पीस. एक बोनस टिप दे ही देते हैं. अरे डेंजर, इतना टाइम सीरियस बात करके ना एकदम ऐसा अजीब सा हो रहा था. मेरे हिसाब से लर्न टू हैव फन. किसी भी चीज में मजे करो. बॉटल गिर रहा है मजे करो, गंदा बास आ रहा है मजे करो. मतलब लाइफ जेन्युइनली बहुत ज्यादा फनी है. मेरे को देख के हंसने का है हंस दो. मेरे हाथ में फोकट के दो रिंग्स देख के फन आ रहा है, फन करो. बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी छोटा सा है, मजे करो. सबसे बेस्ट PS खेलो. उसके लिए तुमको रिया जैसी गर्लफ्रेंड की जरूरत है. वो तो मिलने से रही है.